भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नगर में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के देश में 10 साल के शासनकाल में केवल घोटालों की चर्चा होती थी। बिंदल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस कार्यकाल के घोटाले गिनाए, जैसे पंडुपी, कोयला, 2G, जीजा और साला सबका घोटाला। 2004 में भारत अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान के ऊपर था। 10 साल देश में कांग्रेस ने राज किया और 10 साल तक सुबह सवेरे भंडारी जी जब अखबार पढ़ते थे तो क्या आता था? घोटाला। एक दिन आता था 2G घोटाला, दूसरे दिन आता था कोयला घोटाला, तीसरे दिन आता था पंडुपी घोटाला, चौथे दिन आता था हेलीकॉप्टर घोटाला, पांचवें दिन आता था खेल घोटाला, छठे दिन आता था जमीन घोटाला, सातवें दिन आता था जीजे का घोटाला, साय का घोटाला, घोटाले में घोटाला। 10 साल 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले मेरे देश के अंदर हुए। 11वें पायदान की अर्थव्यवस्था जब मोदी जी ने 14 में सरकार संभाली, वो 11वें के 11वें पायदान पर रहे। दुनिया आगे निकल गई, भारत पीछे हो गया। मोदी जी 11वें पायदान से उठाकर 5वें पायदान पर लाए। 11वें पायदान पर भी कमजोर अर्थव्यवस्था थी, 5वें पायदान पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत खड़ा है। आप लोग देखते हैं बड़े जोरदार 4-लेन हाईवे बन रहे हैं ना। आप देखते हैं बड़ी जोरदार रेलवे चल रही है ना। आप देखते हैं कि सिरमौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना 500 करोड़ रुपए का, आपने कभी देखा? मुझे लगता है चौधरी सुखराम जी और मेरी ड्यूटी है आपको सैर करा के लाए। दुनिया का सबसे शानदार इंस्टीट्यूशन हमारे सिरमौर में बन रहा है, ये मोदी के कारण। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।